सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSSC की ओर से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। झारखंड पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर वायरलेस कम्पिटिटिव एग्जाम 2017 के बारे में आई हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस घंटे को दबाएँ ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले आए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर JPRSIWCE, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन खुल जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बगान नामकुम रांची 834,010 पिन कोड झारखंड पुलिस रेडियो अवर निरीक्षक वितंतु प्रतियोगिता परीक्षा 2017 आवश्यक सूचना दिनांक 13 नवंबर एवं दिनांक 14 नवंबर को संपन्न झारखंड पुलिस रेडियो अवर निरीक्षक वितंतु प्रतियोगिता 2017 की सभी पालियों की परीक्षा के प्रश्न पत्र उत्तर सहित आपत्ति आमंत्रण हेतु आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18 नवंबर से उपलब्ध रहेगा। मतलब कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था अभी रिसेंटली 13-14 तारीख को, उसकी आपको आंसर की 18 तारीख को, मतलब आज आंसर शीट आंसर की आपको आ जाएंगी। और वो आएंगी तो आपको फिर आपको उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी लिंक के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज उसकी आंसर शीट आने वाली है, आंसर की आने वाली है। मतलब आपको रिजल्ट नहीं आएंगी, उसकी आंसर आएंगी, कौन सी आंसर सही है कौन सी गलत है, आपने क्या लगाया है। क्योंकि आपको लास्ट में आप जब एग्ज़ाम देके निकले होंगे तो आपको कार्बन कॉपी मिला होगा, तो उससे आप मैच कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं दूसरी खबर की बात करूँ, यदि किसी अभ्यर्थियों को दिए गए उत्तर पर आपत्ति हो तो वो दिनांक 18 मतलब आज 3 बजे अपराहन मतलब दिन में 3 बजे से 26/11/2027 मतलब 26 नवंबर 2017 तक संध्या 5 बजे तक अपनी आपत्ति मतलब उनको जो लगता है गलत है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। अगर आप किसी भी अभ्यर्थी को लगता है कि आंसर गलत दिया हुआ है तो आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति देने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी मात्र एक ही बार ऑनलाइन आपत्ति दे सकते हैं। आप कोई भी कैंडिडेट एक ही बार ऑनलाइन, अगर आपको दिक्कत है तो आप एक ही बार दे सकते हैं। अतः आपत्ति देने के पूर्व सभी उत्तरों की समीक्षा कर लें और समेकित आपत्ति की सूची प्रश्न संख्या में 7 सूचीबद्ध कर ले। एक बार आप देने से पहले एक बार आप चेक जरूर कर लें ताकि बाद में ये ना हो कि आप खुद गलत हैं। उसके बाद यहाँ है, ऑनलाइन आपत्ति करने के लिए आयोग के वेबसाइट jssc.nic एवं सबमिट रिप्रेजेंटेशन ऑन द आंसर की फॉर JPRSIWCE को क्लिक करें तथा अपना लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर लें। उसके बाद यहाँ पश्चाताप प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर कुंजी जानने के लिए क्लिक टू व्यू आंसर की पर क्लिक करें तथा तत्पश्चात ऑनलाइन आपत्ति दे सकते हैं। आपत्ति से संबंधित कोई कागजात देना हो तो उसे स्कैन कॉपी 3 MB तक अपलोड किया जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई डाउट हो कि नहीं ये आंसर गलत आई है लेकिन ये सही है और आपके पास उसकी प्रूफ हो तो आप उसकी आप स्कैन कॉपी करा के आप उसे अपलोड कर सकते हैं। उसी में आपत्ति आयोग के लिए जिस तिथि एवं पाली में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है सिर्फ उसी पाली का प्रश्न पत्र उपलब्ध रहेगा एवं अभ्यर्थियों का एक उत्तर पत्रक रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह से जॉब रिगार्डिंग वीडियो अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।